करे छे हम जाने छी अभी मम्मी भी मतलब कोनो चीज नै ओकर गेलै ओकर त सब कुछ छेबे करले हमर कि वो परिवार को जो है तहस नहस कर दिए हो और अभी आरती और मनु ऐश कर रहे हमको। अभी फिलहाल वो लोग तो जिंदा है ना, घर में तो रह रहा है ना, हैं उनका जो बेटी बेटी ओकर की गेला ओकर त सब बाल बच्चा घर में छे सब परिवार घर में छे। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों क्या बताएंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे बैठे हैं घर में, छोटा वाला रूम है जिसमें कि हमारे भांजे लोग सोते हैं, बैगना सब, और यहाँ पे जो है उनका मेरा बैगना का ही है, लैपटॉप वगैरह रखे हैं, है ना। तो दोस्तों क्या बताएंगे, आज आरती जी पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, किस बात पे जो है आज हमसे नाराज़ हो गई है और तभी से बोल भी नहीं रही है हमसे। दोस्तों क्या बताएंगे आप लोगों को, वैसे तो बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर ना मतलब कहावत में है कि जो दिल के अंदर नहीं रखना चाहिए कोई भी बात, है ना, जो एक दूसरे से शेयर करते हैं तो थोड़ा दिल के अंदर से जो ना हल्का हो जाते हैं। तो इसी कारण जो है हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। इसमें तो कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है दोस्तों, पर यही बात है, है ना। सो उनसे जानेंगे, फिलहाल वो अपना अलग रूम में सोइए, देखिए वहाँ पे है, कोई आए हैं मिलने के लिए ना, तो लेडीज़ सब वहीं पर बैठे हैं उन्हीं के साथ, और अभी फ़िलहाल हम ये छोटा वाला रूम में जो है वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं रूम का भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और क्या बताएँगे, सुबह सुबह चल गए थे दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, से देखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया था, अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए चल गए थे। और फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी तो हम जो है फ़ोन नहीं उठा पाए ना, तो साइलेंट था, यानी कि दोस्तों साइलेंट होने के कारण जो कोई भी है जेब में रखा रहेगा तो थोड़ी पता चलेगा ना, उसके मन में हुआ काहे नहीं फ़ोन उठा रहे थे, क्या हुआ ना हुआ। तो एक बात है दोस्तों कि चलिए उनको भी फिक्र है, मेरा ऐसा बात नहीं है, पूरा फैमिली को भी फिक्र है, क्योंकि एक ठो जो मतलब गलती से जो चल गए ना छोटू, तो इसी कारण सबको अभी डर हो रहा है, और ऊपर से धमकी वगैरह भी मिला था, इसी कारण जो है दोस्तों क्या बताएंगे, दिल में डर बना रहता है बस। लेकिन जो है दोस्तों आरती जी गुस्सा कर रही है हम पे, और गुस्सा है तो जायज़ है, हम ये नहीं बोलते हैं कि मतलब हमसे क्यों रूठी है या वो, बट जो है थोड़ा देर के लिए होना चाहिए, ज़्यादा देर से होने से मतलब दिक्कत हो जाता है एक दूसरे को, है ना। तो अभी देखिए दोस्तों वही विष्णु भाई और मालती दीदी के बीच जो चल रहा है, तो वो तो आपस का मैटर है, है ना, वो आपस फैमिली अपना फैमिली है, तो वो लोग आपस में क्या कर रहे नहीं करेंगे तो वो लोग जानेंगे ना, है ना, तो उनके बारे में तो हम नहीं बोलेंगे। बाकी जो है विकास भाई के पास जो गए थे तो कितना मतलब कमेंट में पढ़े हैं दोस्तों कि मनु भैया जो है ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मनु भाई अपना घर का मैटर नहीं देख रहे हैं, आरती जी आए उनको काहे नहीं काट दिए, ये वो बहुत बात बोल रहे थे कमेंट में, हम पढ़े भी हैं, है ना। बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब दोस्तों जो भी गलती करता है ना, तो ऐसी इनकी सुलझाने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, प्रशासन, उसके बाद गांव समाज, पंचायती भी बैठा सकते हैं 10 आदमी को बातचीत वगैरह सुलह करने के लिए। बट अब जो है मालती भाभी के उनके बीच में क्या है ना है तो अब हमको पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम देखने के लिए गए नहीं हैं। तो इसी के बीच हम सिर्फ बोले थे विकास भाई जैसे पूछे हैं, देखिए विकास भाई के पूछने का कि मतलब जो है मनु भैया अगर जब किसी भी हाल में अगर इस तरह का हम लोग के साथ अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सीधी सी बात बताएं, अगर हम लोग के साथ ऐसा हो तो, बाकी ये नहीं बोलें कि विष्णु भाई के साथ, है ना, उनके बारे में नहीं बोले, हम अपने बारे में बोले कि अगर हम लोग के साथ ऐसा हो तो काट सकते हैं। बट उसी बात पर कमेंट आया गलत कि आरती भी तो गलत किए थे, लेकिन एक तरफ से आरती जी कैसे गलत किए दोस्तों, कैसे, कोई गलत नहीं किया, गलत वो करते हैं जो मतलब प्यार करके धोखा दे देते हैं और दूसरे के साथ चल जाते हैं। बट आरती जी प्यार किए थे और मेरे भाई से, तो आरती जी ये घर छोड़ के नहीं गई है, फिलहाल तो ये घर में है ना, बस इसी पे जो है गलत कमेंट करते हैं, आरती जी गलत किए हैं तो काहे नहीं काट दिए, ऐसे वैसे अभी जो है मुँह का सफाई दे रहे हैं,
ये गलत बात है ना दोस्तों। आप लोग खुद सोचिए जो पढ़े लिखे हैं दोस्तों, हम तो भले पढ़े लिखे नहीं हैं फिलहाल, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो सोच सकते हैं ना कि दोस्तों आरती जी एक इतना मतलब बड़ा काम किया है। देखिए अगर आज आरती जी नहीं रहती ना दोस्तों, क्या बताएं, सच बोल रहे हैं दोस्तों कि हम लोग का घर का जो है ना तहस नहस हो जाते हैं। सही बोल रहे हैं दोस्तों, क्यों तहस नहस हो जाते हैं, जिस टाइम छोटू का मतलब छोटू डेट हुआ था तो उसी समय वो लोग भी प्लान बनाए थे आरती को भी नहीं छोड़ेंगे, तो गायब करने के चक्कर में था है ना, तो उसी बीच जो है वो लोग दिमाग लगाते, पता है क्या दोस्तों, दिमाग लग चुका था, लगाते नहीं लग चुका था कि जो है आरती को भी गायब करके और हमारी फैमिली को फंसाने के चक्कर में, एक तो मेरा भाई भी गया ऊपर से फंसाने के चक्कर में है ना। तो ये सब जितना भी बातें हैं दोस्तों, सब मिला के जब अगर हम सोचते हैं तो हमको कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है, कहीं से भी नहीं, बट जिनको लग रहा है दोस्तों तो हमारे तरफ से जो है वो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा कमेंट भी आए हैं और फ़ोन लगा के हमको धमकी भी देते हैं कि वो परिवार को जो है तहस नहस कर दिए हो और अभी आरती और मनु ऐस कर रहा है, तो ये गलत बात है दोस्तों, थोड़ा सोच के देखिए। वो लोग तहस, हम लोग तहस नहस किए उनको कि वो लोग किया है हमको? अभी फ़िलहाल वो लोग तो जिंदा है ना, घर में तो रह रहा है ना, हैं उनका जो बेटी बेटी हमारे घर में वो तो सुरक्षित है, बट जो है समझ में नहीं आ रहा है वो जो भी मतलब ऐसे बोलते हैं, खैर जो बोलते हैं उनको तो हम नहीं गलत बोलेंगे, बट सोच सोच का सब पे मतलब है ना। अब जिस तरह हम ही अभी वीडियो बना रहे हैं कि आरती जी गुस्सा है ना, काहे गुस्सा है मनु पे, ये लोग जो है ऐसे काहे कर रहे हैं, तो बस सोच का निर्वाह, सोच का मतलब सोच पे डिपेंड करता है कि दोस्तों हम किस तरह सोच रहे हैं। बट एक तरफ से जो है हम बताएं ना दोस्तों कि आरती जी गुस्सा है इसलिए कि फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे और इस तरह का मतलब बात हुआ था, तो इसी कारण आरती जी हमसे गुस्सा है। खैर इतना तो इसमें नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं, बट अभी भी ज़्यादा थोड़ा गुस्सा है और कुछ देर से जो आधा एक घंटा से बातचीत नहीं कर रहे थे, हम सोचे जो भी अंदर में है बात अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग से शेयर कर रहे थे और इतना सारा जो बातें खुल गया है, तो इसीलिए हम जो है ना सब जो भी बातें किए हैं अभी सब लाइन बाय लाइन किए हैं, है ना, इसमें दिक्कत नहीं है दोस्तों। खैर क्या करेंगे, अभी जितना भी मतलब कमेंट पढ़ते हैं ना, आरती साथ ऐसा क्यों नहीं किया, काट क्यों नहीं दिया, इतना दोनों फैमिली को उजाड़ दिया, अरे आरती नहीं उजा रहे हैं, उजाड़ आरती तो मना कर रही थी हर एक चीज़ में कि पापा मत कीजिए, जो भी हुआ है पुलिस प्रशासन है ये है, तो फिलहाल वो लोग को देखिए है ना, वो लोग से समझिए, उसके बाद जो भी गलत कदम उठाना है उठाइए। आरती तो ऐसे बोल रही थी, बट फिलहाल भी फिलहाल जो है सब दिन से आरती जी को गलत ठहरा रहे हैं सब लोग, लेकिन जो ठहरा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, है ना। खैर वो सब पे हम तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, सब बात इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि अगर इग्नोर करके नहीं चलते हैं ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाते हैं, है ना, तो इसी कारण हम सोचते हैं कि अब जो भी बात बीत गया बीत गया, तहस नहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी फिलहाल अभी हमारे फैमिली अच्छा से रह रहे हैं, वो लोग भी अच्छे से रह रहे हैं दोस्तों, वो लोग का क्या गया, कुछ नहीं गया, एक साल रहा जेल में, हैं गया तो हमारा भाई, वही ना, गया तो मेरा भाई, पापा बोल रहे गया तो मेरा बेटा ना, बट वो लोग को क्या गया, कुछ नहीं गया है ना, उसे तो घर में रह के खाए छे रहे छे कमबे छे, हमर जे कमबे वाला बेटा उमर चल गेले, वही ना हमरा सोच होना चाहिए, वैसे के कौन सोच सोच वो लोग का कौन सा, हम लोग घर उजा रहे हैं और इस तरह का घर में रखने चाहिए 1.5 लाख टका खर्चा का रखने चाहिए, ओकर की गेले हमर गेले, खैर ये लोग भी हमर गेले तो संतोष कर रहे चाहिए, ये लोग उतना नहीं समझ रहे हैं, तो फिलहाल कोई बात नहीं, धमकी दे रहल छे कि जे दोनों के गोली मार देबे, तो हमको और आरती को ऐसे धमकी दे रहे हैं, समय का हमरा के ओकरा इतने हिम्मत भाग ले जे दोनों का हम मार देबे, फिर तो अब सोच सकते हैं दोस्तों, अगर सोच सकते हैं आप लोग कि वो लोग मतलब इस तरह, पता नहीं वो लोग इस तरह बोल सकते हैं तो अदर आदमी क्या बोलेंगे, इतना हमर बेटा का धमकी दल के जो रिकॉर्डिंग भी रखते हैं ऐसा बात नहीं, हमरा के देखते एक टाक तक गोली से उड़े, और जो भी अभी मतलब फिलहाल खैर कोई नहीं, जो भी बात हो रहे हैं ना तो आप लोग से शेयर कर देते हैं, ताकि जो जो भी अंदर में है हम जाने अभी मम्मी भी मतलब चीज नहीं वो कर गए, वो कर तो सब कुछ छेवे कर ले, हमारे
गले दुनिया से उड़ के। देखिए दोस्तों मम्मी भी इमोशनल हो गए क्योंकि दोस्तों अभी आई हम जो आप लोग शेयर कर रहे थे की गला सब बाल बच्चा घर में सब परिवार घर में। तो दोस्तों क्या बताएंगे, वहाँ पे मम्मी थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई थी है ना बात सुन करके, तो इसी कारण हम इधर आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी है जिनका भी लड़का गया है ना, वो तो कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता है ना, सब दिन वो रोती रहेगी। खैर जिनका नहीं गया है वो तो बाय बाय ही में है ना। तो बस आप लोग से यही निवेदन है दोस्तों हाथ जोड़ के कि गलत सलत कमेंट मत कीजिए। जो भी उजरा है, जो भी जिसका भी घर उजरा है वो जानते हैं, जिनका घर नहीं उजरा फिर भी उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनका घर उजरा है, ऐसा कोई सब गलत बोल रहे हैं ठीक है। खैर कोई नहीं दोस्तों, बस इस बात पे हम बात कर रहे थे, बात देखिए कहाँ से कहाँ चल गए हैं है ना। तो आरती जी हम पे गुस्सा थी और इस तरह का बात बोलते बोलते वहाँ पे जो है मम्मी मतलब सुन रही थी, उनको भी नहीं रहा गया। खैर कोई नहीं, वीडियो कहीं अंत करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।